मॉर्निंग टाइगर, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे अपन फिजियोथेरेपी के बारे में और रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नर्स इन साइकोथेरेपी, उनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम नेक्स्ट बात करते हैं सोमेटोथेरेपी, साइकोसोमेटिक थेरेपी, कि साइकोसोमेटिक थेरेपी क्या होती है, उनके बारे में डिस्कस करते हैं आज। नेक्स्ट टॉपिक आपका हो गया। इसमें जनरल इंट्रोडक्शन की
ईसीटी अंदर क्या है, ईसीटी का प्रयोग सर्वप्रथम 1938 के अंदर किया गया और क्या करता है इसके अंदर आर्टिफिशियल रूप से पेशेंट के अंदर सीजर उत्पन्न करवाया जाता है ईसीटी के द्वारा। अब बात करें उसकी डेफिनेशन की, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, बात का सिंपल डिफरेंस है कि इलेक्ट्रोड की सहायता से, इलेक्ट्रोड की सहायता से पेशेंट के अंदर आर्टिफिशियल रूप से कृत्रिम रूप से सीजर उत्पन्न कराए जाते हैं, और सेम इसकी डिफरेंस की आर्टिफिशियल रूप से पेशेंट के अंदर विद्युत की सहायता से, इलेक्ट्रोड की सहायता से पेशेंट के अंदर आर्टिफिशियल रूप से सीजर उत्पन्न कराए जाते हैं, ये बोलते हैं ईसीटी। ठीक है, आर्टिफिशियल रूप से कराए जाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोड जो होते हैं इलेक्ट्रोड के माध्यम से इलेक्ट्रोड होते हैं, उसको कहा अपने इलेक्ट्रोड पेशेंट को दौरे यानी सीजर उत्पन्न कराए जाते हैं, तो इलेक्ट्रोड के माध्यम से इलेक्ट्रोड होते हैं वो कहा प्लेस किए जाते हैं पेशेंट के ब्रेन में। तो पेशेंट जो सेंट्रोइड होता है, पेशेंट का जो टेम्पोरल नोड होता है उन पर क्या इलेक्ट्रोड को प्लेस किया, यानी कि यहाँ एक इधर दूसरा इधर, ये दो टेम्पोरल नोड होते हैं, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड को लगाया जाए दूसरा इलेक्ट्रोड यहाँ, इन दो पार्टों पे इलेक्ट्रोड को प्लेस, जैसे कि मान लो ये व्यक्ति है, ये जो उसका लोब होता है कान के जैसे पर कान के साइड होते हैं, कान के दोनों साइड यहाँ पे इलेक्ट्रोड क्या करते हैं प्लेस किए जाते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं इलेक्ट्रोड को प्लेस करते हैं, इलेक्ट्रोड को लगाते हैं, इलेक्ट्रोड के माध्यम से क्या पेशेंट को शॉक किया जाता है यानी करंट दिया जाता है पेशेंट को। ये होता है यहाँ पे कान के जैसे पर पेशेंट के टेम्पोरल लोब पर इलेक्ट्रोड को प्लेस किया जाता है। अब बात करते हैं पेशेंट जब प्रदेश में विद्युत धारा कितने देते हैं, यानी करंट देना है पेशेंट को, करंट की भी लिमिटेशन इसकी एक क्या होता है लिमिटेशन, क्या विद्युत धारा कितने देते हैं पेशेंट के अंदर, विद्युत धारा होती है अपन देते हैं 200 से 160 मिली एम्पियर देते हैं। ठीक है, 200 से 160 मिली एम्पीयर विद्युत धारा देते हैं, कितना वोल्ट का 100 देते हैं, तो वोल्ट होता है अपना वोल्ट का 70 से 130 वोल्ट। जो करंट होता है कितना होता है करंट, हम जो करंट देते हैं इसके अंदर वो करंट का 70 से 130 वोल्ट के बीच होता है करंट, इससे ज़्यादा अपन पैसे करंट नहीं दे सकते हैं, अगर इससे ज़्यादा देंगे तो पैसे और प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, इससे ज़्यादा ना इससे कम 70 से 130 के होते पैसे को इतना वोल्ट का करंट देते हैं। फिर बात करते हैं कितने टाइम पे देते हैं एक साथ में, टाइम की बात करते हैं 0.6 से लेके 1 सेकंड तक, इतनी है कि धारा कितना वोल्टेज 0.6 से लेके 1 सेकंड तक पैसे को प्रोवाइड देते हैं, कितना इसकी विद्युत धारा है 160 वोल्ट होना चाहिए, जो करंट होता है वोल्ट होता है 70 से 130, और ये दोनों कितने टाइम के लिए 0.6 से लेके 1 सेकंड तक, इससे ज़्यादा नहीं 0.6 से लेके 1 सेकंड तक पेशेंट को दिया जाता है करंट। ये होता है इसका मेजरमेंट, कितना वोल्ट देते हैं, कितना करंट देते हैं और कितने टाइम तक देते हैं, और इलेक्ट्रोड कहाँ प्लेस करते हैं पेशेंट के दोनों टेम्पोरल लोब में, क्या करते हैं इलेक्ट्रोड को प्लेस करते हैं, और इन इलेक्ट्रोड के माध्यम से पेशेंट को 160 वोल्ट धारा के साथ 70 से 180 वोल्ट का करंट और 0.1 से 1 सेकंड तक पेशेंट को दिए जाता है। ये होता है ईसीटी देने का मेथड। जो मेजर डिप्रेशन वो पेशेंट जिनको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है उनको दे सकते हैं मेजर डिप्रेशन पेशेंट को। ठीक है, जैसे कि डिप्रेशन विथ
consider God, the idea. Major depression, वो कैसे depression के अंदर और कैसे idea ला रहा है? Suicide thought है, suicide idea ला रहा है, आप तब कहेंगे विचार ला रहा है. Depression के अंदर जो patient है, साफ इतना ज़्यादा severe है, वो suicide के बारे में विचार कर रहा है, उस patient को दे सकते हैं. या भी बोले depression भी delusion, इतना delusion. पोस्टमार्टम डिप्रेशन मतलब डिलीवरी के बाद कोई लेडीज है, बच्चे की डिलीवरी हो जाती है, बच्चे को जन्म देती है, उसके बाद वो डिप्रेशन में जाती है, उनके अंदर भी क्या इसका सहायता कर सकते हैं ECT. तो ये हो गया मेजर डिप्रेशन वाले कैसे जो मोस्ट जितना बहुत सीवियर डिप्रेशन जैसे कि चीज़ों की यानी कोई आइडिया सुसाइड थॉट वो सब आते हैं डिलीवरी वाला. क्या बात है पोस्टमार्टम डिप्रेशन, वो पेशेंट वो क्लाइंट जो एक बच्चे को डिलीवरी दे चुकी है, बच्चे का जन्म दे चुकी है और उसके बाद अगर वो जा रही किसी पर डिप्रेशन जा रही तो उसको दे सकते हैं. ट्रीटमेंट कर सकते हैं. फिर बात करते हैं कौन कौन से इसके होते हैं, ये
ये वोल्टेज वगैरह आप वोल्टेज होता है 70 से लेके 120 वोल्टेज दे सकते हैं, 0.6 से लेके 1 सेकंड दे सकते हैं, और विद्युत धारा होती है 200-160 मिली पर एम्पीयर विद्युत धारा प्रोवाइड कर सकते हैं। ये हो गया आपके सिटी के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन ऑफ इंडक्शन, लास्ट में।